जाने का कहते हैं प्रोसेस में जाना पड़ेगा. इट डजंट टेक एनी मोर एफर्ट टू ड्रीम अ बिग ड्रीम देन इट डज टू ड्रीम अ स्मॉल ड्रीम. मतलब कि जो सपना देखते हो वो सपना जितना बड़ा सपना देख रहे हो उससे भी बड़ा सपना देखने के लिए भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जितनी मेहनत आप छोटे सपने देखने के लिए करते हो. छोटे सपने के लिए मेहनत लगती है उतनी बड़े सपने को लगती है, फर्क नहीं पड़ता है. तो बड़े ही सपने देखो. अगर आप सपने देखोगे मैं कर सकता हूं तो मैं कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता हूं तो नहीं कर सकता हूं, वो भी एक सपना है. और पूरा आपके पास जीपीएस सिस्टम चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए. तो WWRS एक जीपीएस सिस्टम है एग्जैक्टली आपको आपके मुकाम पर पहुंचा देगा. आपको बस जीपीएस में देखना है गाड़ी को चलाना है, वो है WWRS. आपको बताएगा कौन सी चीज कहाँ कहाँ आती है. तो जीपीएस के थ्रू जीवन में देखिए हर चीज एक्सपेंशन कॉन्ट्राडिक्शन बढ़ना घटना अवेयरनेस बोर्डम देखिए अभी इसमें क्या बहुत बताने वाला हूँ. हाँ ये मैं पाई रूल बता देता हूँ. पांच चीजें जीवन में रोज करो. हाँ उसके बाद मैं याद रखूंगा क्योंकि इसमें बहुत है. चलिए एक्शन अ डे नियम बनाओ कि जीवन में मैं 5 एक्शन ऐसे करूंगा जिससे मेरे अंदर चेंज आए. नियम बनाना है 5 एक्शन अ डे. पांच चीजें ऐसी करो रोज जीवन में जिससे चेंज आए. ऐसा पांच चीजें अच्छी करते करते और पांच चीजों की मास्टरी आ जाएगी और पांच चीज और पांच चीज ऐसा करते करते सुबह से रात तक देखो पांच चीज अच्छी की या नहीं. सवाल पूछो पांच चीज अच्छी मतलब सबसे पहले सुबह आपने घर में अच्छा बिहेवियर किया या नहीं किया किसी से तो एक चीज हो गई. बाहर निकले अच्छा वर्ताव किया या नहीं किया या आपने काम के लिए एफर्ट किया या नहीं किया. तो आप देखो कभी कभी आपको पांच चीज नहीं पांचों चीज नेगेटिव मिलती है. तो उसका लिस्ट बनाइए क्या क्या पांच चीज रोज अच्छी कर सकते हैं आप. उसको पहले उसमें मास्टरी हासिल कर लो जो पांच चीज में आपकी मास्टरी नहीं है. देखो इस ट्रेनिंग को हम ऐसे लेंगे ये सब आपको प्रिंट आउट दिया जाएगा ऐसा फिलअप करने का और फिलअप करा के लिया जाएगा है कि नहीं. Yes. तो लिखो पांच चीजें. इरिटेशन लिस्ट लिखो क्या चीज आपको परेशान करती है. सिर्फ बोल लिख लिया तो काम नहीं चलेगा. बीवी बहुत परेशान करती है इसीलिए लोग डिवोर्स लेते हैं. फिर पता चलता दूसरी और खतरनाक आई और परेशान तब पता चलता पहली अच्छी थी. तो इरिटेशन लिस्ट इसमें आपको प्लान देने से इरिटेशन होता है. कहीं जाके काम करना इरिटेशन होता है. आलस से नहीं चलता इरिटेशन नहीं चलेगा. फिर एक एक्सरसाइज होती है विजन एक्सरसाइज अभी नहीं कराएंगे. क्लैरिफाई योर विजन. 7 विजन कैटेगरी थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ अभी सीखाऊंगा नहीं पूरा इसके बाद बंद करूंगा. बिजनेस जॉब एंड करियर क्या करना है ना की करो क्लियर हो जाइए इसके प्रति. क्या बिजनेस करना चाहते हैं जॉब या करियर. करियर शामी में इधर लिखो शामी. जॉब में जिंदगी निकल जाएगी बिजनेस में वक्त नहीं मिलेगा. अगर पैसा मिल सकता है वक्त नहीं मिलेगा या वक्त और पैसा दोनों नहीं मिलेगा या आपको वक्त पैसा और हेल्थ ही ना मिलेगा.
फाइनेंशियल, देखिए मैंने क्या कहा, सात पॉइंट को जीवन में किए विजन चाहिए, तो इधर क्लियर विजन हो गया कि भाई हमें टाइम और पैसा दोनों चाहिए, फाइनेंशियल पैसा कितना चाहिए नक्की करो, हाँ क्लियर होना है। फिर क्या चाहिए आपको, अपने लिए टाइम चाहिए, एक्सरसाइज के लिए, मोस्टोफ के लिए, एंजॉय करने के लिए वक्त चाहिए, बराबर फन टाइम, हेल्थ एंड फिटनेस चाहिए तो चाहिए, जिंदगी के आखिरी सांस तक चाहिए, बराबर चाहिए। ओके, रिलेशनशिप जितने बड़े उतने अच्छे कि जितने कम हो उतने अच्छे, जितने बड़े उतने अच्छे, बड़े उतने अच्छे। देखिए अभी नीरज जी कल मेरे घर पे रुके थे, रिलेशनशिप अच्छे, वो रुके तो मुझे अच्छा लगा और उनको रुकने में अच्छा लगा, तो रिलेशनशिप हुआ। हरीश जी भी मेरे घर रुकते हैं, मैं इनके घर रुकता हूँ, तो रिलेशनशिप मतलब एक फैमिली। अभी देखो इनका नाम तो मुझे नहीं पता, भूल जाता हूँ, उषा। अभी ये उषा जी है हमारे एक जो है सोले जी, जिन्होंने सबसे पहले स्पीच दी थी, उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, ये लगातार हॉस्पिटल में जाके सेवा की, टिफिन लेके जाते थे, रिलेशनशिप। तो रिलेशन बनाओ, लेकिन लोग बिगाड़ने में आनंद लेते, अपने लोग दुखी हो उसमें आनंद आना चाहिए, खुशी में आनंद आना चाहिए, खुशी में आनंद आना चाहिए, उल्टा है, अपने पहचान वाले दुखी होते, देखा ना बहुत उल्टा।